तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कलेक्टर बनने का, पर वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कैसे क्या होता है, इसमें कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों, आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको जो है कलेक्टर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, आपकी कलेक्टर बनने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी आपकी एज लिमिट क्या होती है। सभी कैटेगरी के लिए अलग होती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसके लिए कितना चाहिए। कलेक्टर के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, यानी कलेक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षा होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। कितनी प्रकार की परीक्षाएँ होती हैं, कलेक्टर का इंटरव्यू कैसे होता है, और कलेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको, ये भी जानेंगे। और कलेक्टर की सैलरी कितनी होती है, इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कोई आपको मतलब ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करें, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप नॉर्मली स्टडी करते हैं ना, वैसे ही आप करते रहिए। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, कलेक्टर का कार्य होता है सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, आम जनता की समस्या को हल करना, कर वसूली तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना, वे जिले की जानकारी सरकार को देना भी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट का कार्य होता है। एक कलेक्टर का कार्य आमतौर पर अपने क्षेत्र में तैनात होने के बाद सरकारी नीतियों को सही तरीके से लागू करना है। ओके, जैसा आप समझ गए होंगे कलेक्टर क्या कार्य करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। हाँ, मैं इससे पहले डिस्कस कर रहा था आपसे कि स्टडी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, स्टडी जैसे आप नॉर्मली करते हो 10th 12th क्लास, ऐसे ही करते रहिए, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी स्टडी मांगी जाती है, कितना क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस पद पर काम करने के लिए अधिकारी के लिए योग्यता शुरुआत में सिर्फ आपके डिग्री लेवल तक ही ज़रूरी है, जैसा कि एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, और बताते हैं कि आपके पास क्या अनिवार्य होना चाहिए। इस पद पर जाने के लिए उम्मीदवार का भारतीय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से किया जा मतलब आपने साइंस स्ट्रीम से कराओ या फिर आर्ट्स से या कॉमर्स से, बस आपने किसी भी साइंस से ग्रेजुएशन किया हो। ओके, और उम्मीदवार जानलेवा बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे कैंसर, बवासीर या फिर शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए आयु सीमा की, यानी एज लिमिट, या आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए कलेक्टर बनने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी में सबसे पहले आपकी आयु देखी जाती है, यानी आपकी एज देखी जाती है कि आपकी कितनी एज है। अगर आपकी एज कम होती है तो आपको उस नौकरी से मतलब उस नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें दाखिल नहीं दिया जाता है। तो ऐसे इस पद की नौकरी होती है, इसमें भी आपकी उम्र देखी जाती है। हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी बनने के लिए उम्र सीमा विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है और एसटी एससी के लिए अलग है। सबसे बात कर लेते हैं जनरल की, तो इसमें कम से कम 21 साल और ज़्यादा 32 साल, यानी 21 साल से 32 साल तक मांगा गया है। इसमें आप 6 बार ही कलेक्टर की परीक्षा दे सकते हैं, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो आयु सीमा रखी गई है वो 21 साल से 32 साल तक ही रखी गई है, और इसमें 3 ईयर्स की यानी 3 वर्ष की छूट दी गई है, और इसमें आप 9 बार कलेक्टर की परीक्षा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी एससी की, तो देखिए दोस्तों, 21 साल से 32 साल तक आप ये परीक्षा दे सकते हैं, और इसमें जो है 5 साल की आपको छूट मिलती है, और इसमें आप जितनी बार चाहे उतनी अधिक परीक्षा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें जो है 3 परीक्षाएं होती हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में।
तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड, यानी जनरल स्टडी और एप्टीट्यूड, ये दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी एक पेपर आपका 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होता है, तथा दोनों में ही चार विकल्प वाले पर्सन होते हैं। यानी मैं आपको बताऊँ कि देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आता है ना, उसके नीचे चार आंसर लिखे होते हैं, चारों आंसर में से सही आंसर कौन सा है वो आपको चूज करके लिखना होता है, इस टाइप से इसका आंसर आंसर देना होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम की, यानी मुख्य परीक्षा की। तो ये परीक्षा आपको प्रारंभिक परीक्षा के बाद देनी होती है, यानी जब आप जो है प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हो उसके बाद ये देना होता है। इसमें आपको 9 पेपर देने होते हैं। ये परीक्षा उम्मीदवार के लिए बहुत कठिन पड़ती है, पर आप स्टडी करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। ये परीक्षा दिसंबर से जनवरी में होती है और बहुत से बच्चे परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। यदि आप इस परीक्षा को अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं तो फिर आपको इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू देने के लिए जिला अधिकारी बनने का अंतिम स्टेज होता है। जब उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है तभी उसको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। कलेक्टर बनने के लिए दोनों ही परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सबसे अहम होता है इंटरव्यू, इसी में आपका और आपके पद का चुनाव किया जाता है। ओके, तो मैंने आपके एग्जाम का पैटर्न बता दिया। अब बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जिला अधिकारी बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, जिसे UPSC ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं, जिसे हम कम शब्दों में कहें तो CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसकी परीक्षा एक साल में एक बार करवाई जाती है। परीक्षा में पास होने के बाद साक्षात्कार और रैंक के बाद चुना जाता है। कलेक्टर को IAS लेवल का अधिकारी होता है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपका किसी भी विषय में स्नातक पूर्वक होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद इस पोस्ट के लिए कॉलेज में क्या विषय लेकर पढ़ाई करें, तो आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप स्नातक में आर्ट्स लेकर ही पढ़ाई करें। अगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई करोगे तो आपकी कॉलेज लाइफ में आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और आप जो है अपनी मतलब कलेक्टर बनने के जो विषय हैं, जो कलेक्टर बनने की तैयारी है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कलेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो कलेक्टर की सैलरी की बात करें तो विभिन्न संरचनाओं के आधार पर होता है, जैसे कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल, ओके, और अलग अलग होता है ये सभी। तो कलेक्टर भी HR मूल्य का अधिकारी आवास का 40% के हकदार होते हैं, साथ ही उन्हें DA/TA भी मिलता है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी APEX सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको बता दूं कि सैलरी कितनी होती है। तो उनकी सैलरी जो है 60,000 यानी 7,000 से शुरू होकर 2.50 लाख होती है, यानी 2.5 लाख होती है, तथा बहुत से प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा सरकारी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा मिलती है। कलेक्टर के लिए गाड़ी मुफ्त दी जाती है, कलेक्टर का टेलीफोन बिल व बिजली बिल फ्री होता है। यदि वहीं प्राइवेट क्षेत्र में रहना पड़े तो पूरा खर्चा सरकार देती है, और भी बहुत से भत्ते यानी अलाउंस कलेक्टर को दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।